चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5/6। तो देखिए आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, नेगेटिव साइन नजर आने से हमको पता चलता है कि ये जो फ्रैक्शन है नंबर्स जो है वो है नेगेटिव, मींस ये नंबर लाइन पर जीरो से लेफ्ट में शो होगा। तो देखिए हमारी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहाँ हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड मेथड थोड़ा ईजी था, आप शायद उसे ज़्यादा लाइक करेंगे। देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है 6, तो चलिए 0 से 6 पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाएं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारा -1 हो गया। देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारा -2 हो गया। ऐसे ही चलते चले जाएंगे और इधर हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ भी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारा 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे इधर पॉजिटिव नंबर आते रहेंगे, इधर नेगेटिव नंबर आते रहेंगे। अब देखिए हमारा नंबर नेगेटिव है इसलिए ये 0 से लेफ्ट में शो होगा। अब देखिए इसका न्यूमरेटर कितना है 5, चलिए 0 से वापस काउंट करें, 5th नंबर वाला साइन, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा 5 पोजीशन पे आ गया, ये हमारा हो जाएगा -5/6। इस तरह से हम नंबर लाइन पर -5/6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।